जय हिंद। एसएसबी का वेटरनरी पोस्ट क्या होता है, एसएसबी डिपार्टमेंट का? क्योंकि कई आपके कमेंट किए थे मुझे कि सर जो है उसके सिलेबस के बारे में बताओ, तो मैं उनको सिलेबस के बारे में बताता हूँ। क्योंकि अभी एग्जाम आने वाले हैं, इसके फॉर्म भरे गए थे नवंबर में, इसकी लास्ट डेट थी दिसंबर 20 तारीख, और 21 नवंबर से इसके फॉर्म जारी हुए थे। तो इसमें उस पोस्ट के बारे में कई लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, बार बार कमेंट कर रहे थे, तो मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। छोटा वीडियो है, उसमें पूरा समझा दिया गया है, आप लोग जल्दी से देख लें। हम बात करें एसएसबी वेटरनरी का, एसएसबी जो वेटरनरी का रिक्रूटमेंट आया 2020 में, जिसका नवंबर दिसंबर में प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो उसकी हम बात करेंगे। उसमें क्या क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसा कि एसएसबी ने क्लियर किया है कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो मैं ले चलता हूँ आपको। उससे पहले अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले। जो CAPF अपडेट एंड टेक चैनल का नाम है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद में वो घंटी भी दबा देगा, प्रेस कर देगा, ठीक है। हम चलते हैं आपको वीडियो की ओर लेके। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बोल रहा है नेम ऑफ पोस्ट कांस्टेबल वेटरनरी। जो कांस्टेबल होता है, इसमें आपको सभी चीज़ बता दूंगा। कांस्टेबल वेटरनरी का जो है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एसएसबी है, ठीक है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दे रहा है आपको? 10th पास दे रहा है। 10th पास दे रहा है या इक्विवेलेंट दे रहा है साइंस एज मेन सब्जेक्ट, क्योंकि साइंस जो है SCIENCE, साइंस जो है कंपलसरी है। उसके बाद में क्या बोला है यहाँ पे, एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पेशल ऑफ एनिमल्स इन ए रिकॉग्नाइज्ड वेटरनरी हॉस्पिटल में। आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का, ठीक है। आप फॉर्म डाल चुके हैं, जो वैकेंसी चल रही है, फिर भी मैं उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्किल क्या दे रहा है, डिजायरेबल, ठीक है। ये जॉब लोकेशन, आपकी जॉब लोकेशन इंडिया के किसी भी कोने में हो सकती है, जैसा ये यहाँ पे बोल रहा है, इंडिया के किसी भी कोने में आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है। आपका सैलरी स्केल क्या है, आपका 21,700 से 69,100 रुपया पर मंथ का जो है आपको बताया गया है, आपका जो बेसिक पे बनता है, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज का क्या है, ये लिखा है डिफेंस पब्लिक पैरामिलिट्री, ये दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है। उसके बाद ये एप्लीकेशन स्टार्ट तो आपको मालूम ही है, 21 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो गए थे। इसका लास्ट डेट था 20 दिसंबर 2020। जैसे कि आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे, तो मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या पूछे जाते हैं उसमें, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। पहले मैं सोचा कि इसको स्टार्टिंग से आपको बताते चलूँ। यहाँ पे आप एज क्राइटेरिया भी देख सकते हैं, 18 साल से लेके आप 25 साल तक इसका फॉर्म आवेदन कर सकते हो। जो SC ST हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रहा है, और 3 साल का रिलैक्सेशन किसके लिए है, OBC और एक्स सर्विस मैन के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी जो मैं सिलेबस की बात करूंगा, तो आप यहाँ पे जितने देख रहे हैं, जितने यहाँ पे वैकेंसी है, जितनी वैकेंसी है जिस पोस्ट के लिए है, जैसे ड्राइवर है, लेबोरेटरी है, वेटनरी है, आया है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, पेंटर है, टेलर है, कोबलर है, गार्डनर है, कुक है, वाशरमैन है, बार्बर है, सफाई कर्मचारी है, वाटर कैरियर है और वेटर है, ठीक है। इन सबका एग्जाम सिलेबस सेम रहेगा, सेम क्वेश्चन आएंगे, सेम साथ में आपका पेपर भी होगा, ठीक है। मैं आपको ले चलता हूँ उस पेपर की ओर, जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के होंगे और कितने क्वेश्चन होंगे और क्या क्या पूछे जाते हैं। और यहाँ पे तो आप देख लीजिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज इसका क्या होगा, इसमें फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, जिसको PET बोलते हैं, और PST भी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। सेकंड स्टेज में जो PST को क्वालिफाई करेगा सेकंड स्टेज में, वही जो है एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेगा। और थर्ड में आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, और स्किल जो होगा वो आपका स्किल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम का ड्यूरेशन 2 घंटा है, टोटल मार्क्स इसके जो है 100 हैं, और टोटल क्वेश्चंस इसके 100 होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूरे ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। और इसमें सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, आपका सिलेबस में GK पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा, ठीक है, और जनरल इंग्लिश अब्लिक जनरल हिंदी। आप या तो इंग्लिश का पेपर दें या तो हिंदी का पेपर दें, ठीक है। नीचे यहाँ पे नोट में दिया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ रिटन एग्जाम फॉर ऑल पोस्ट, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 50% अगर आप मार्क्स पाते हैं जनरल कैंडिडेट्स, EWS, OBC एंड एक्स सर्विस मैन, तो आप क्वालिफाई माने जाओगे, ठीक है, आप क्वालिफाई हो जाओगे। और SC ST के लिए 45% मार्क्स पे आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है।